आज हम आपको एक ऐसा रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिसके अंदर जितना झांको वो उतना ही रहस्यमय होता चला जाता है। एक ऐसा तप जो तपस्वी की रहस्यमय संसार को दिखाता है, लेकिन उसको समझना इतना आसान नहीं है। एबीपी गंगा पर आज आपको दिखाएंगे उसी रहस्यमय कुंड की पूरी अग्नि परीक्षा। देह पर भस्म लपेटे बैरागी, तपस्या में लीन बैरागियों का जत्था, भस्म से रमा पैर से लेकर मत्था, और ईश्वर से हो रहा है सीधा संवाद। हृदय में मात्र विराजमान आराध्य, चारों तरफ जल रही ज्वाला, देह को अनंत कष्ट देते योगियों के इस योग में अग्नि से घेरा, चारों तरफ अग्नि का प्रज्वलन और बीच में तप की धारा। वैष्णव संप्रदाय की योग साधना। मंत्रों के मनन उच्चारण और देह पर कोई वस्त्र न धारण, वैष्णव संप्रदाय के संतों की अद्भुत और रहस्यमयी योग साधना। अठारह साल का हठ योग, वियोग से योग के मध्य स्थित अठारह बरस का कठिन तप, और उस तप से निकलती ज्वाला से सिद्धि की प्राप्ति का प्रयास, योगियों का हट योग, शक्ति सिद्धि का त्रिकाल तप, वैष्णव संप्रदाय की कई परंपराओं में से एक ऐसी परंपरा जिसका हर चरण कठिन, बेहद कठिन होता है, और जो 18 बरस तक तप को संपूर्ण करता है उसको मिलती है शक्ति सिद्धि। तपस्वी का रहस्यमय संसार, कंठमाला से ईश्वर का नाम जपते हुए अग्नि के मध्य विराजे तपस्वियों के तप का ये रहस्यमय संसार है, जिसकी प्रक्रिया जटिल और कठिन है तो उतनी ही रहस्यमय और रोमांचकारी। आज आपको बताएंगे वैष्णव संप्रदाय से जुड़े इन हठ योगियों के रहस्यमय संसार की कहानी। बस आप बनी रहिए एबीपी गंगा के साथ। तो ब्रज की धरती पर आस्था का कुंभ सजा हुआ है जिसके कई रंग देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं एक तरफ अग्नि कुंड में बैठे संत तपस्या के रहस्य को जन्म देते हैं, जिन पर आग की तपिश का कोई फर्क नहीं पड़ता और हंसते हंसते वो इस तपस्या को पूरा करते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं कई अनसुलझे राज। जहां का कण कण ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, उसी वृंदावन में सज चुका है आस्था का कुंभ। वृंदावन के कुंभ में साधुओं की तपस्या और भक्ति में लीन संतों का डेरा। यमुना के तट पर 40 दिन के तप में तल्लीन योगी, भक्ति में लीन इस ब्रज की रज में तपस्या का अनूठा अंदाज भी नजर आ रहा है। तो वही दूसरी तरफ योगियों का हट योग है, एक ऐसी तपस्या जिसमें देह को तपाया जा रहा है, लेकिन भक्ति में लीन योगियों के ध्यान में कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता। ब्रज कुंभ के अनेक रंगों में से एक रंग अनूठा है, रहस्यमयी है, रोमांचकारी है, अद्भुत है। जहां धूप में कई कई पहर तक ये योगी ध्यान में लीन नजर आते हैं, कितना भी शोर हो या कोई भी गतिविधि, इनके ध्यान पर तनिक फर्क नहीं पड़ता।
ये तप कठिन और अविश्वसनीय होता चला जाता है जब एक योगी अपनी ध्यान साधना में इतना लीन हो जाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी उसके देह को जलाने को आतुर है। अचंभित करती इन तस्वीरों में जब नजर पड़ती है उस अग्नि पर जो ध्यान में लीन संत के चारों तरफ जल रही है, तो रहस्य और भी गहरा होता जाता है। आखिर ये कौन सी तपस्या है, ये कौन सा तप है जिसमें लीन है साधु संत। ब्रज कुंभ में जब हम पहुंचे तो हमारी नजर इन संतों पर पड़ी जो आग उगलती हुई ज्वाला के बीचों बीच बैठे हुए थे। वस्त्रों का त्याग कर देह पर भस्म रमाए बैठे ऐसे कई साधु यमुना के तट पर हठ योग में लीन नजर आए, जिनके हाथ में थी कंठमाला और कंठ से अनवरत मंत्रोच्चारण हो रहा था। एक तरफ कुंभ के आकर्षित करने वाले हजारों रंग थे तो दूसरी तरफ अपनी ही दुनिया में लीन इन योगियों की दुनिया, जहां मोह माया जैसी किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं था। इनकी दुनिया में पहुंचते ही एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा था और साथ ही मन में उठ रहे थे कई सवाल। बीतते वक्त के साथ ही कई सवाल मन ही मन में उमड़ते जा रहे थे कि इस कठिन तपस्या के पीछे का राज क्या है, कौन है ये देह पर भस्म रमाए संत, किसकी भक्ति में लीन है, कौन सा तप है और ब्रज कुंभ में ऐसे एक या दो नहीं बल्कि कई योगी थे जो अलग अलग प्रक्रिया के तहत इस अग्नि तपस्या में लीन थे। दरअसल इस दौरान हमारी नजर इस पूरी अग्नि तपस्या पर पड़ी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, जिसमें एक योगी सिर्फ 5 जलते हुए उपलों के बीच ध्यान साधना में लीन है तो वही दूसरा योगी 7 जलते हुए उपलों के बीच ध्यान कर रहा है। लेकिन एक योगी तो अपने चारों तरफ जलते हुए उपलों को सजाकर तपस्या में लीन नजर आ रहा है। इस तपस्या ने हमारी उत्सुकता को बढ़ा दिया था क्योंकि अभी तक नागा बाबाओं या फिर शैव संप्रदाय से जुड़े साधुओं को ही ऐसी तपस्या में लीन देखा है, लेकिन वैष्णव कुंभ में इन संतों का रहस्य जानने की उत्सुकता लगातार बढ़ रही थी कि ये कौन सी तपस्या है। लेकिन पहली नजर में ही ये तपस्या कई रहस्यों से भरी नजर आती है। एबीपी गंगा के लिए वृंदावन से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। भस्म रमाकर ध्यान करते योगियों का योग किसी रहस्य से कम नहीं है, लेकिन आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, खोलने जा रहे हैं वो राज जिसमें आग की तपिश भी योगियों के ध्यान को भंग नहीं कर पाती। क्या है इसका रहस्य, क्या है 18 साल के तप की कहानी, देखिए रहस्य कुंड में अग्नि परीक्षा। देह पर भस्म रमाए ध्यान में ली इन साधुओं की साधना रहस्य का एक ऐसा दरवाजा खोलती है जिसमें जितना झांको उतना ही रहस्य गहराता जाता है। हमारी टीम जब वृंदावन में चल रहे कुंभ में पहुंची तो हमारी नजर इन तपस्वियों पर पड़ी जो अपनी साधना में लीन थे, तल्लीन थे जैसे बाहरी दुनिया से इनका कोई नाता ना हो। अपने चारों तरफ उपले जलाकर देह पर भस्म रमाकर ध्यान मुद्रा में बैठे इन योगियों ने अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसकी वजह ये भी रही कि जिस अग्नि कुंड में बैठकर ये तपस्या कर रहे थे वहां पहुंचना तो दूर, उसके करीब से गुजरना भी तकलीफ देह था। अग्नि कुंड में बैठे ऐसे तपस्वी सहज और सरल भाव से ध्यान में लीन थे, लेकिन लगातार एक ही सवाल मन में उमड़ रहा था, ये कौन है और किस तपस्या में लीन है। और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम ने इस पावन भूमि पर चल रहे तपस्वियों के बीच जाने का फैसला किया।
एबीपी गंगा की टीम जब योग साधना कर रही इन संतों के पास पहुंची, तो कई तरह की प्रक्रिया नजर आई। कोई योगी चारों तरफ जलते हुए उपलों के बीच बैठा ध्यान साधना कर रहा था, तो कोई सिर्फ 5 जलते हुए उपलों के बीच ध्यान में लीन था। सभी योगियों की साधना अलग अलग थी और यहीं से सवाल उठा कि आखिर ये कैसी तपस्या है। दरअसल इस दौरान वहां मौजूद संतों से हमने बात की, तो इस तपस्या के रहस्य से पर्दा उठा और जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। दरअसल शैव संप्रदाय में तो इस तरह की तपस्या आम बात है, लेकिन जिस कुंभ में इस तपस्या को किया जा रहा था उसका संबंध सिर्फ वैष्णव संप्रदाय से है, यानी राम और कृष्ण को पूजते हैं। ऐसे में संतों ने बताया कि वैष्णव संप्रदाय में तप का एक खासा महत्व है। कई तरह से ये तप होता है। अग्नि तप का सनातन परंपरा से सीधा संबंध है। 4 महीने तक चलती है अग्नि तपस्या। अग्नि के जरिए ही संत पहाड़ी हवा से बचते हैं। इतने साधु संत यहाँ सब वृंदावन में आए हैं, तो हर मौन धारण करते हैं, कोई कोई खड़ेश्वरी रहते हैं, कोई कोई जो है जल में डुबकी लगा करके भी भजन करते हैं। ये अपनी अपनी अलग अलग मर्यादा अनुसार तपस्या है, यह भी एक तपस्या है अग्नि सिद्धि की। और साधु संत जो है अपना शरीर तपा करके, भी सबको सुखी करने के लिए, सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय को कुशल समृद्ध बनाने के लिए, ऊपर से कड़क धूप पर रहा है, नीचे धरती भी गर्म होती है, अभी तो आगे बहुत गर्मी आएगी, जेठ का महीना आएगा और यह लगातार गंगा दशहरा तक साधुओं का तपस्या 4 महीना चलता है, बसंत पंचमी से और गंगा दशहरा जेठ तक। तो यह अपनी तपस्या इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं कि ये 6 चीज़ें अपने लिए नहीं है। कौन कौन सी? संत बिटप सरिता गिर धरनी, परहित है तिन सब कई करनी। तो वृक्ष हुआ, पहाड़ हुआ, नदी हुई और ये धरती हुई और संत हुई, अपने लिए नहीं है। दरअसल इस अग्नि तप का वैष्णव संप्रदाय में खासा महत्व है, जो लगातार 4 महीने तक चलता है, जिसमें योगी अपने देह को तपाता है और अग्नि को सत्य माना गया है, इसलिए अग्नि का घेरा बनाकर ध्यान किया जाता है। इस तप में प्रतिदिन 3 घंटे तक मंत्र का जाप करना पड़ता है। इसके साथ ही प्राणायाम और व्यायाम का भी खासा महत्व होता है। इस तपस्या को पंच सत्य तपस्या भी कहा जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ आधार भर था, क्योंकि जिस तरह से योगी ध्यान में लीन थे उसे देखकर कई सवाल मन ही मन उत्पन्न हो रहे थे कि आखिर हर योगी अलग तरह से तपस्या क्यों कर रहा है, और जो रहस्य इन अग्नि के घेरों में छिपा था वो खुला तो तप का असल महत्व समझ में आया। अग्नि तपस्या का खासा महत्व है। तपस्या के अलग अलग 6 चरण हैं, पंच धुने और सप्त धुनी तपस्या, द्वादश धुने और 84 धुनी तपस्या, कोट धुने और कोट खप्पर धुनी तपस्या। 3 साल में हर एक धुनी तपस्या पूरी होती है। 18 साल में ये पूरी तपस्या की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। तपस्या पंच धुनी, सप्त धुनी, द्वादश धुनी, 84 धुनी, कोट धुनी, कोट खप्पर धुनी, आखिरी ये 18 साल का तप है। कितना है? 18 साल का तप है। 3-3 साल का कोष है, पंच का 3 साल का, सप्तमी का 3 साल का, द्वादश का 3 साल का, 84 का 3 साल का और कोट खप्पर 3 साल का, फिर कोट खप्पर 3 साल का, इसलिए ऐसे 18 साल बन जाते हैं। दरअसल सबसे बड़े रहस्य से पर्दा हट चुका था कि आखिर तप एक दूसरे से अलग क्यों है, जिसमें पता चला कि वैष्णव संप्रदाय में कुल मिलाकर 6 धुनी तपस्या होती है, जिसमें अपने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित होती है और फिर ध्यान किया जाता है। हर धुनी तप 3 साल का होता है और सबसे आखिर में जो संत कोट खप्पर धुनी तप करता है वो तप और त्याग से शक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो धुनी के तप की जो परंपरा है उसमें धुनी का आकार, धुनी में अग्नि की मात्रा
और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हर तपस्या को अलग अलग बनाती है। आप देखिए कई धुनियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन इन 9 धुनियों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो 9 संत यहाँ बैठे थे सभी की तपस्या एक थी। हम आपको विस्तार से बताते हैं, ये जो 2 धुनियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो चंद्राकार हैं, लगभग थोड़ा सा गैप है, इसे कोट धुनी बोलते हैं और ये तपस्या के 18वें साल में की जाती है। इनके हम बगल अगर जाएं तो वहाँ पर 5 धुनियाँ लगी हुई हैं, 5 आपको देख रहे जो उपल होते हैं वो लगे हुए हैं, उसे कहते हैं पंच अग्नि तपस्या। इसके आगे बढ़ेंगे तो आखिरी जो धुनी लगी है इसके बाद उस तरफ, इसमें 12 उपल के आपको ये नज़र आएंगे हवन, 12 हैं, तो इसका मतलब ये हो गई कि ये द्वादश अग्नि हवन था। इसके अलावा 7 धुनियों का भी होता है, 84 धुनियों का भी होता है। तो ये जो धुनियों के आकार हैं, धुनियों के जो प्रकार हैं और धुनियों में जो उपल और कंडों की संख्या है, ये भी बताती है कि किस संत का तप कितना पुराना है, कितना जटिल है और ये तपस्या कितनी लंबे समय से चल रही है। ये रहस्य कुंड की वो अग्नि परीक्षा है जिसमें जितना झांको उतना ही रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था, क्योंकि इन रहस्य कुंड के एक पहलू से पर्दा उठ चुका था कि आखिर अग्नि के बीच बैठकर ईश्वर से सीधा संपर्क साधते इन योगियों का लक्ष्य क्या है। एबीपी गंगा के लिए वृंदावन से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट।